How much do you rate yourself in acting out of 10? She asked you that. She aisi chat. Maine style to kam tha nahi. Maine bola not less than 11 out of 10. Itne takes hue, itne takes hue ki cameraman thak gaye, log thak gaye and कितने हमें थोड़ा idea दे दो वैसे अंदाजे से पहला तब शो था तो embarrassing हो सकता है बहुत embarrassing हो सकता है पर ऐसे मजाक में कहते थे I'm sure this is not true पहले ही बता रहा हूँ but कुछ बोल रहे थे 300-400 take ले लिए ऐसे बोला immediately I got a call and I got to know that was on ventilator. That was on ventilator. Yeah, he was there for like 20-25 days. He was on ventilator. Soldier. Soldier. Chor. Soldier. Joljhar. दो तीन दिन कुछ नहीं हुआ उसके बाद कॉल आया आप ना मुंबई आ जाओ कल आप मुंबई आ जाओ आप मुंबई आ जाओ कल आप मुंबई आ जाओ कल मतलब पहला मैंने मुंबई क्यों आ जाओ पहले तो मैं अवॉइड करता रहा नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऐसे वैसे ऐसे फिर उसके बाद मुझे लगा काफ़ी सीरियस है जेन्युइन है तब भी कॉन्फिडेंस देखो मुंबई को बुला रहा है मैं लगा ठीक है बिजनेस क्लास भेज दो आ जाऊँगा I'm Himanshu Ashok Malhotra, and I welcome you all to SharenGo Spotlight. Our today's guest is a dear friend of mine. He is a heartthrob on Indian television. Girls drool over him. He appears cool and sexy on the upfront, yet he's deep and mature as a person. A popular television actor, a professional shooter, a Delhi Punjabi boy. Let's welcome with hugs and warmth, Shivin Narang. Thank you so much. Thank you, Himanshu. Thank you so much. I am really happy to have you. Thank you. We tried for a long time. But Shivin ka nayagon hai hame thoda sa diya hi nahi kuch time. I think kam se kam 3-4 baar humne koshish ki hai ki karte hain. Humne haan, kaafi baar humne koshish ki connect karne ki ke hum bahut jaldi karte hain. I'm sure maine jitne bhi episodes dekhe hain ya what all maine WhatsApp, social media. Instagram pe, yes. Chaap pe, Facebook pe, jitne bhi clippings dekhe hain, I really like it. How nice, thank you so much. The best part is obviously, first of all, you are hosting it. How sweet is that, thank you. Ye toh phir bhai wala rishta hai actually. Mujhe sabse pehle toh janna hai, Shivin is such a good looking boy. अरे थैंक यू सो मच इतनी सारी लड़कियां मरती हैं आई एम श्योर सिमेंट पे सो व्हाट हैपेंस व्हेन गर्ल्स गेट क्रेजी आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट मतलब यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट मतलब ऐसे ऐसे दिल्ली वाला पंजाबी मुंडा मतलब वो फ्लैम्बोयंस नहीं आता वाओ सो मेनी गर्ल्स यू नो वो आता है जब आप व्हेन यू आर ट्राइंग फॉर समवन करेक्ट अच्छा व्हेन यू आर ट्राइंग फॉर समवन व्हेन यू आर ट्राइंग फॉर समवन एंड कोई बात करे या कोई इंटरेस्टेड हो या ना हो जनरली एज एन एक्टर यू डोंट फील दैट Correct. You feel nice, you feel positive, and you feel thank God, baby, मैं कुछ ना कुछ ठीक कर रहा हूँ या फिर कोई ना कोई चीज अच्छी चल रही है. हाँ. So people are liking it. But इतनी attention बचपन से थी? या फिर अभी जैसे जैसे नहीं Shivin has become popular also, you know. Attention थी because first of all I'm the only child, तो घर पे attention थी. थोड़ा naughty हूँ तो naughty बच्चों को वैसी थोड़ी ज़्यादा attention मिल जाती है. सबसे पहले ओनली चाइल्ड दैट्स व्हाई ओनली चाइल्ड उसकी तो सारी पैम्परिंग वहीं मिल रही है हाँ उसकी बात है और बचपन से मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा था जितने भी जैसे दादी हो गई आंटीज हो गई उनसे बहुत अच्छा कनेक्शन था तो उनका लाडला यकीन से तो उनसे काफ़ी अटेंशन मिलती रहती है उसके बाद स्कूल में था तो स्पोर्ट्स कैप्टन था तो एक टीचर्स का फेवरेट एंड स्पोर्ट्स का ऑब्वियसली एक आप स्पोर्ट्स में अच्छे होते हो खासकर मतलब जो स्पोर्ट्स कैप्टन होता है उसको सारी वो कहते हैं ना द पॉपुलर बॉय एंड ऑल दैट तो ही इज द हंक स्पोर्ट्स कैप्टन इज द हंक इन स्कूल यू कैन से दैट तो स्कूल एंड कॉलेज में वैसा रहा एंड उसके बाद तो ऑब्वियसली लाइफ ही चेंज हो गई जब यहाँ पे जो मेन मेरा अचीवमेंट कह सकता हूँ दैट वाज शूटिंग 10 मीटर राइफल शूटिंग 10 मीटर राइफल में अभिनव बिंद्रा गोल्ड जीते हैं क्या बात है यू यूज्ड टू डू दैट 10 मीटर राइफल शूटिंग ओके डिड यू ट्रेन फॉर इट यस ऑब्वियसली ओके प्ले द म्यूजिक
First movie, Kedarnath. Okay. Kedarnath. Next one. Luka Chupi. Very nice. Luka Chupi. Teri Meri Kahani. Very nice. Next one. Phata Poster Nikla Hero. Phata Poster Nikla Hero. Awesome. तालियां तो बजा दो यार. It's not easy. तीसरी मंजिल. मंजिल. हाँ. मंजिल is right. से पहले वाला. तेरी मंजिल. तेरी मंजिल कोई पिक्चर नहीं है. तीसरी मंजिल. Very nice. गली बॉय. मैंने प्यार क्यों किया? मैंने प्यार क्यों किया? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. सुनाई दे रहा है क्या? सोल्जर. चोर. सोल्जर. सोल्जर. ओके, नो प्रॉब्लम. मुंबई आप किस लिए आए थे? हम शूटिंग की तरफ दोबारा जाएंगे वापस, पर मुंबई आप किस लिए आए थे? मुंबई में शो के लिए आया था. सुरवीन गूगल के लिए. अच्छा, दो आपका पहला शो था. यस. और उन्होंने आपको बुलाया या आपने टेस्ट दिया था और क्लियर हो गया? मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. तो मेरा लास्ट शो, जैसे आप सब जानते हैं, कि इंटरनेट वाला लव. तो सिर्फ शो ही इंटरनेट वाला लव नहीं था, आप कह सकते हैं कि जो मेरी लाइफ में जो ट्विस्ट था वो भी इंटरनेट से ही आया. अच्छा. तो शौक में मुझे याद है, आई एम टॉकिंग अबाउट 2011-2012, फेसबुक बहुत पॉपुलर हो गया था. उस समय बहुत पॉपुलर था. एंड लोग तब नए नए ऐसे फोटोज डालना हमने शुरू किया था. ऐसे शौक में फेसबुक पे डाल दिया. फिर धीरे धीरे मॉडलिंग का काम आना शुरू हो गया. तो अच्छा है, पॉकेट मनी. कौन सा? प्रिंट का, कैटलॉग्स का, बेसिक दिल्ली में जैसे हो रहा था. तो उसके बाद जनरली एक दिन ऐसे मुझे मैसेज आया फेसबुक पे कि देयर इज अ शो दिस एंड दैट. एंड तो बस शायद मेरे दिमाग में था और वही मेरे फेसबुक पे आ गया. तो द क्रिएटिव ऑफ माय फर्स्ट शो सुप्रीम गूगल अमीगना, शी कॉन्टेक्टेड मी एंड उन्होंने बोला ये ऐसा ऐसा शो है. एंड हाउ मच डू यू रेट योर सेल्फ इन एक्टिंग आउट ऑफ 10? शी आस्क्ड यू दैट. ऐसी चैट पे. तो मैंने, स्टाइल तो कम था नहीं. मैंने बोला नॉट लेस देन 11. मुझे पता नहीं क्यों लगा ये मैं कर लूं. क्योंकि वो मेरे से काफी मिलता जुलता. युवराज वाज द स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ हिज कॉलेज. ही वाज अ स्पोर्ट्स कैप्टन. दिल्ली का था. एक ऑब्वियसली कई चीजें अलग थी. तो ऊपर वाले ने हर चीज प्रॉपर्ली फिट करके दे दी. हाँ, आपके लिए. हाँ, फिट करके दे दी. तो उन्होंने बोला आप अपना ऑडिशन भेज देना. तो मैंने ऐसे घर में ऐसा कैमरा रखा और कभी ऐसे नीचे दो पिलो रख दिए. हाँ. कभी उसके ऊपर कुछ ऐसे कप रख दिया, उसके ऊपर कैमरा रख दिया कि कुछ बैलेंस हो जाए. कभी गिर रहा है, कभी नहीं गिर रहा है. एंड खुद ही अकेले ट्राई किया. हाँ. क्योंकि इतनी बेइज्जती लगती है, ऐसा लगता है ये सब लोग क्या कर देख रहे हैं. क्योंकि आपको अपने फ्रेंड को नहीं बोल सकते कि यार भाई रिकॉर्ड करियो. मैंने कैमरा रखा और कैसे ना कैसे रिकॉर्ड करके एक महीना चलता रहा ऐसी चीजें, उनको भेजा. जब भेजा तो दो तीन दिन कुछ नहीं हुआ, उसके बाद कॉल आया आप ना मुंबई आ जाओ कल. आप मुंबई आ जाओ कल. फिर उसके बाद मुझे लगा काफी सीरियस है, जेन्युइन है.
तब भी कॉन्फिडेंस देखो, मुंबई को बुला रहा है, मैं ठीक है बिजनेस क्लास भेज दो, आ जाऊंगा. मतलब बिजनेस क्लास भेज दो, मैं आ जाऊंगा. वाह. मैंने होता ना इंसान के पास जब खोने को कुछ होता नहीं है तो निडर हो जाता है. निडर होता है उसको, कुछ है ही नहीं, उसको कुछ था नहीं ना, मेरा ना इंटरेस्ट था ना, मुझे डर था ना कुछ था. तो उन्होंने प्लीज 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 कम, ये वो. डैड से पूछा, डैड क्या करूँ उस टाइम. मैं मॉडलिंग के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ छोटा मोटा स्टार्ट कर रहा था. तो मेरे डैड मॉम पहले तो बोल रहे थे, मेरा जेन्युइन है. फिर उनके प्रोडक्शन हेड का कॉल आया, तो डैड को भी ये था कि यार लोग बेचारे कितने पागल बना देते हैं, बट ठीक है अगर आपका मन है दिली ख्वाहिश पूरी कर ले, ख्वाहिश पूरी कर ले, कोई ऐसे रह ना जाए, ठीक है चले जाता हूँ. मैं गया ऐसे बैग वैग लेके, ऐसे ऐसे शाहरुख खान की फिल्म में होता है ना, बैग डाल के पहुंचा. वहाँ पे मैं खड़ा हुआ था, मेला ओके, एंड कई नोन फेसेस थे वहाँ पे. तो मैं जनरली सोचा चल शिवन, यहाँ तो तू टाइम पास करने के लिए आ गया, कुछ भी नहीं होने वाला, यहाँ तो एक और भी लोग हैं, इट्स नॉट जस्ट यू. मैंने ठीक है दे देते हैं. तो वहाँ पे एक क्रिएटिव आई, मेरे पास दो स्क्रिप्ट दी, सर ये एक मेन लीड की और एक ये पैरेलल लीड की. तो बाकी सब दोनों लेके पढ़ना शुरू हो गए. मेरे पास आई, मैंने नहीं एक ही स्क्रिप्ट दूंगा, बाकी ले जा. तो मेन लीड ही करना ऑफ कोर्स. हां, ऐसा कुछ नहीं था, बट मैं बता रहा हूँ कि किस आप किस उसमें होते हो, या किस में जा आपको लेके जा रही है, आपको लेके जाए. तो यार यू आर नॉट गोइंग फॉर दिस. मतलब नहीं, यही करना है, यही करना है, यही करूंगा. मैं गया, मतलब पहले मेरा ले लो, इनका बाद में लेते ना, मेरी फ्लाइट है. तो मैं गया, अपना ऑडिशन दिया, फिर मैं बाहर आ गया. तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ बना रहा था कि मेरे कुछ स्कूल के फ्रेंड्स जो मुंबई आ गए थे, प्लान बना रहा था. प्रोड्यूसर ने बुलाया उसी दिन, फर्स्ट डे, दिस इज द फर्स्ट डे मैं आया हूँ मुंबई, उसी दिन बोला यू सिलेक्टेड. यू सिलेक्टेड आफ्टर योर टेस्ट? या आफ्टर माय टेस्ट, आफ्टर सम टाइम. मतलब उतने आप रुको रुको, दे रियली वांटेड यू. मतलब व्हाट? तो पहले तो आप खाली मजे लेने आए थे, यू डोंट नो, जैसे लॉटरी भर दी है तुम्हें थोड़ी पता निकलने वाली. मतलब ओके, समझ नहीं आया क्या करूं. फिर घर पे फोन किया, घर पे फोन किसको, मम्मी को कि पापा को? पहले पापा को किया, मम्मी भी वहीं पे थी. मम्मी रोना शुरू हो गई, मेरा बच्चा सिलेक्ट हो गया. लोग खुश होते हैं. अच्छा, खुश क्या खुश होते हैं? लोग खुश होते हैं, मेरी मम्मी रो रही है, क्या तो मुंबई चले जाएगा. तो काफी, इट वाज रियली फनी. अगर ये तुझे प्यार करती है तो ये पलट के देखेगी. दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995. यस यस. अरे हाउ डू यू रिमेंबर द नेम्स एंड द ईयर आल्सो, सो नाइस. आई डू, आई डू. जिंदगी में अगर कुछ बनना है तो कुछ हासिल करना है तो कुछ जीतना है तो कभी खुशी कभी गम, अपने भाई को बोल रहा था. क्या बात है, एटलीस्ट स्टेप पर है. क्या बात है, क्या बात है. ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस. नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग, नो देर से आना और यहाँ से जितना जल्दी हो चले जाना. कभी खुशी कभी गम, अपने जब बड़ा हो जाता है ऋतिक रोशन उसको बोल रहा होता है. मतलब ये तो अमेजिंग है, लेकिन कहीं भी कभी भी एक दोस्त की जरूरत पड़े तो याद रखिए कि सर पार एक ऐसा शख्स है जो आपके लिए अपनी जान भी दे सकता है. वीरजा 2007. अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो उसे पाने के लिए पूरी कायनात. ओम शांति ओम. ईयर बता दो. ईयर 2007. वाओ, लाइक वाओ. डू नॉट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन. चेन्नई एक्सप्रेस. एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है. एक तरफा, एक सेकंड, एक तरफा प्यार की ताकत. एक तरफा दिल है मुश्किल. ए दिल है मुश्किल, सो नाइस. ब्यूटी, ब्यूटी प्रोडक्ट से सिर्फ चेहरा निखरता है, खूबसूरती नहीं बढ़ती. ब्यूटी प्रोडक्ट से सिर्फ चेहरा निखरता है, खूबसूरती. आई डोंट नो, प्लीज हेल्प मी, किसी को बता. टाइम अप. My name is Khan. Absolutely right. Ah, my name is Khan. Right. दिल की सुनो, अगर दिल भी कोई जवाब ना दे तो आंखें बंद करके अपनी माँ और पापा का नाम. सेम, कभी खुशी कभी गम. जिसने भी क्वेश्चन लिखे उनको कभी खुशी कभी गम बहुत. She loves it. हाँ श्रुति, ये सारे कभी खुशी कभी गम क्या रखे हैं आपने. But a huge round of applause for him, man. This is. Thank you. What has been the most embarrassing moment of your life till today? Embarrassing moment. बहुत सारे थे एक्चुअली. इतने सारे एम्बैरेसिंग मोमेंट. इफ आई टॉक अबाउट एक्टिंग, एक बहुत अच्छी बात शेयर करना चाहूँगा. तो मेरा फर्स्ट डे था शूट का, आई वाज इन नैनीताल. तो दिस इज फॉर सर्विंग गूगल, करेक्ट. एंड तो मैं पहली बार गया तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था. जैसे मैंने कहा, सिर्फ कॉन्फिडेंस था कि अच्छा ये करना है, हाँ कर लूँगा. लेकिन अंदर से मुझे था, आई वाज ब्लैंक. और टाइम भी कम था तो हम बहुत ज़्यादा वर्कशॉप्स नहीं कर पाए, टेलीविजन प्रिपेयर नहीं कर पाए. कई बार टेलीविजन में ऐसा होता भी है. एंड हाँ, ये एक चीज़ थी, मुझे लगता था कि अगर मैं और प्रिपेयर होके जाता, बट ठीक है,
दैट्स हाउ यू लर्न. मेरे ख्याल से गलती करके जितना अच्छा सीख सकते हैं वो पहले से ही सीख के वैसे नहीं कर सकते. ये बात सही है. वो जिंदगी में जब गाड़ी या बाइक चलाते हैं एक बार जब तक एक्सीडेंट ना हो जाए तब तक अच्छे से चलाना ही नहीं आता, समझ में नहीं आता. यानी वो डर भी खत्म हो जाता है गलती करने के बाद कि अब मैंने कर ली ना गलती, कोई डर नहीं है. तो बहुत बहुत इतने टेक्स हुए कि कैमरा मैन थक गए, लोग थक गए. एंड कितने, हमें थोड़ा आइडिया दे दो वैसे अंदाजे से. पहला तब शो था तो एम्बैरेसिंग हो सकता है. बहुत एम्बैरेसिंग हो सकता है पर ऐसे मजाक में कहते थे. आई एम श्योर दिस इज नॉट ट्रू, पहले ही बता रहा हूँ. बट कुछ बोल रहे थे 300-400 टेक ले लिए. Oh my God. ऐसे बोला गया. मजाक में ही बोला होगा इतने तो नहीं, बट काफी टेक्स हुए थे. टेलीविजन में इतना टाइम नहीं है. ऐसे टेक्स हुए थे. एंड एक ये भी था कि हमारी जो टीम थी दैट वाज रियली वेरी पैशनेट. ओके, इट वाज अ टीम, मेरे ख्याल से जितने भी मैंने काम किए इट वाज वन ऑफ द बेस्ट टीम शो की. एंड एवरीवन वाज सो डेडिकेटेड. तो उनको था नहीं और बेटर कराना है. एंड आई गेस मेरी स्कूलिंग अच्छी जगह से हुई, दैट्स वाई अभी भी जहाँ पे भी मैं काम करता हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है. आई एम मच मोर कॉन्फिडेंट. आई नो ओके इसमें क्या करना क्या नहीं. क्योंकि एक बार आप अच्छे लोगों के साथ काम कर लो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है. तो हाँ, तो वहीं की बात रही. 300-400 टेक. हाँ, तो ऐसे टेक हो गए. बट ठीक है, मुझे ऐसे नहीं पड़ा. मैंने ठीक है कर रहे हैं ना. इट्स ऐसा था, फर्स्ट डे है तो क्या हो गया, गलती कर दी. तो एक बहुत अच्छा हुआ कि एक्चुअली स्मृति मेरे पास आई. ये बात अभी बहुत कम लोगों को पता है, दिस इज द फर्स्ट टाइम. स्मृति मेरे पास आई शाम. स्मृति जो सुवेन को कॉल प्ले कर रही थी. यस, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड. एंड उस टाइम तो ऑब्वियसली नए थे तो इतनी ज्यादा बातचीत नहीं थी. हाँ, तो ना उसने मुझे बुलाया और उसने मुझे ना बोला कि क्या लगता है तुम्हें. एंड ऑब्वियसली शी इज अ फैंटाबुलस एक्ट्रेस, शी इज अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस. जितने भी मैंने, आई हैव वर्कड विद ऑल द एक्ट्रेसेस इन, मेरे ख्याल से टेलीविजन में जितनी भी एक्ट्रेस हैं शी इज वन ऑफ द टॉप इन हर वर्क, शी इज वेरी गुड. तो उसने मुझे बुलाया और उसने बोला कि क्या कर रहा हूँ मैं आफ्टर द शूट. पता नहीं एक्ट्रेस बुला रही है, क्यों बुला रही है ऐसे स्पेशली. तो मैंने कहा ठीक है चले जाते हैं बात करने. हाँ. मैंने बात करी, बोलती क्या कर रहे हो तुम. मैं क्या कर रहा हूँ. बोलती डोंट थिंक सो कि ये जो आपकी लुक्स हैं इसी से ही सब कुछ चलने वाला है. मैं ओके गो ऑन. मतलब बोलती है इफ यू वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर. उसने दो तीन ऐसे मुझे एग्जाम्पल्स दिए, तुम्हें उसकी तरह एक्टर बनना है. And obviously inside it was no, I don't want to be. But then start working on your acting, start learning. Agar tumhe lag raha hai tum learn kar rahe ho but us speed pe mat jao, usse 100 guna aur tez jao. Correct. I said okay. Mera se wo turning point tha, tab mujhe lag gaya wo baat ki haan andar tak pahunch gayi. Wo baat andar tak pahunch gayi aur ek bahut ek aisi bhi baat thi ki jo aapke dost hote hain na Himanshu, वो तब तक ही होते हैं, खासकर यहाँ पे ऑब्वियसली व्हेन यू वर्किंग, वो दोस्त तब तक ही होते हैं जब तक आप कुछ अच्छा कर रहे हो. सही बात. प्रायोरिटाइज दीज फोर थिंग्स इन योर लाइफ. यस, फैमिली, करियर, बिलवड, मायसेल्फ. मैं अगर पर्सनली दो वेरिएशन आपको दूं. चलो दोनों वेरिएशन दे दो. तो दिस इज मेरे लिए एंड देन दिस इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. व्हाट इज ऑप्शन ए? सो कैन यू रिपीट? फैमिली, करियर, मायसेल्फ, बिलवड. एक जो मैं पर्सनली अगर इमोशनल उस पर बोलूँ तो फैमिली. फैमिली सबसे पहले फैमिली. सो मैं स्पेसिफाई करता हूँ. तो ऑप्शन ए मतलब जब शिविन इमोशनल होगा तो सबसे पहले फैमिली. तो मैं प्रैक्टिकल एंड इमोशनल आपको दोनों बताऊंगा. चलो नाइस, बता. तो सबसे पहले फैमिली. फैमिली, आफ्टर फैमिली योर करियर. करियर, बिलव्ड, एंड यू एंड माई सेल्फ. यस. तो इतना इमोशनल है कि खुद को सबसे नीचे रखा. ठीक है, अब प्रैक्टिकल की बात. सेकंड अगर मैं आपको बोलूँ तो सबसे पहले आप खुद. सबसे पहले खुद क्योंकि आपको ही सब करना है. तो अगर आप ही नहीं हो गए, अगर खुद यू आर जीरो तो यू कांट डू एनीथिंग. सही बात है, वेरी ट्रू. तो सबसे पहले आप खुद, फिर आपकी फैमिली. फैमिली, देन योर करियर. बेचारी बिलवड. नहीं, बिलवड जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग. 15 सेकंड है, मैं एक सवाल पूछूंगा जी. जो भी आपके जहन में पहला जवाब आए आप बोल सकते हैं जी. कोई ऐसा वक्त जिंदगी का जब आपने खुद को बेहद अकेला महसूस किया हो और आपको लगा हो कि आसपास के काफी सारे दरवाजे बंद हो गए, कौन सा वक्त था वो? वो वक्त था, बहुत दूर नहीं था, रिसेंटली 2017 में था, व्हेन माय फादर वाज सफरिंग फ्रॉम किडनी फेलियर. सो आई गेस दैट वाज द टाइम. कैन आई ओपन माय आईज? यस, यू कैन ओपन. सो आई गेस दैट वाज द टाइम.
जब आपने खुद को बहुत अकेला महसूस किया? अकेला एज इन ऑब्वियसली आपकी फैमिली थी आपके साथ, ऐसा नहीं था कि फैमिली नहीं थी, पर एक आई वॉज इन इंडोनेशिया, आई वॉज वर्किंग. आप शो कर रहे थे? आप शो कर रहा था, आई वॉज डूइंग अ शो. सब कुछ अच्छा था. इनफैक्ट मॉम डैड भी आने वाले थे घूमने के दिवाली में, एंड इमीजिएटली आई गॉट अ कॉल एंड आई गॉट टू नो दैट दैट वॉज ऑन वेंटिलेटर. That was on ventilator. Yeah, he was there for like 20-25 days. He was on ventilator. Yeah. आपको फोन पहले आया था कि मतलब 20 दिन हो चुके थे? नहीं नहीं, उससे पहले. उससे पहले. ठीक है. आपको फोन आया. First day. First day. Admit कराया. तो मतलब एक आप generally एक आपकी happy life चल रही है. You don't think all those things. Like तभी बोलते हैं ना, life is unpredictable. आपको कुछ पता नहीं है. And short too. Yeah, and short too. And मैं अपना show में busy था. एंड मुझे अच्छे से याद है मैं कहीं ऐसे हॉलीडे कर रहा था एंड समथिंग लाइक दैट एंड जस्ट गॉट अ कॉल के ऐसा हो गया. तो आई वाज लाइक ओके, मुझे लगा कि कुछ होगा थोड़ा बहुत शायद, क्योंकि घर वाले इतना एक्सप्लेन तो करते नहीं है. सही बात. क्यों क्या छुपा के रखने की आदत होती है. हाँ, छुपा के रखने की आदत होती है. तो मैं फिर जकार्ता से इंडोनेशिया से आई वेंट टू दिल्ली एंड आई वाज देयर फॉर गुड 8-9 मंथ्स. मैंने शो भी बीच में मुझे छोड़ना पड़ गया था. इंडोनेशिया वाला शो आपको बीच में छोड़ना पड़ा पापा के हेल्प के लिए? यस. सो मेरा सारा सामान ये वो सब कुछ वहीं पे था. आई केम टू दिल्ली. दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड. आई विल से लाइक इमोशनली भी, मेंटली भी, फैमिली वाइज, वर्क वाइज, बिकॉज एज एन एक्टर आप ये नहीं कर सकते कि अरे तू मेरा देख ली वहाँ पे. इट्स नॉट योर बिजनेस कि आप किसी फ्रेंड को बोल दो या कोई आपका. एक्टिंग तो आपको ही करनी है. आपको ही करनी है. तो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स यू आर बैटलिंग विद. करेक्ट. एंड उस चीज़ को भी पूरा 1-1.5 साल लगा. नाउ ही इज़ फिट एंड फाइन. तो मतलब आपने 1-1.5 साल कितना टाइम एक्टिंग नहीं की? वो कुछ क्योंकि आपने शो बीच में छोड़ा. पापा की मोर देन वन ईयर. मोर देन वन ईयर यू लेफ्ट एक्टिंग. मोर देन वन ईयर आई लेफ्ट. एंड तो आई गेस एक साल तो बहुत ज़्यादा होता है. हाँ, एक साल होता है एक्टिंग जैसे प्रोफेशन में. एक साल का ब्रेक या फिर अनफॉर्चुनेटली लेना पड़ गया. राइट. तो फिर मतलब कैसे क्या महसूस हो रहा था उस एक साल के बीच में? क्योंकि जिंदगी में ऐसी परेशानी तो आ जाती हैं. मतलब यू नो यू डोंट प्रिडिक्ट हाउ लाइफ इज गोना हैपन. हाउ डिड यू फील इन दैट वन ईयर? हिमांशु, स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा कि हम ना जनरली आई डोंट नो कभी किसी ने नहीं फेस करना पड़े भगवान करे, पर पहले तो ऐसा लगा कि सारी प्रॉब्लम शायद एक साथ ही आ गई. बिकॉज एक आपकी लाइफ अच्छी चल रही होती है, यू पैम्पर्ड, यू सब चीज़ है ऊपर वाले की, तो ऐसा कुछ सोचते नहीं हैं. सही बात है. बट कई चीज़ें होती हैं जिन पे हमारा जोर भी नहीं चलता. सही बात है. एब्सोल्युटली. सो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम. कुछ पता नहीं था कि टुमारो लाइक नेक्स्ट डे होने क्या वाला है. ओके. सो एवरी डे इन द हॉस्पिटल और उसके बाद भी ही वॉज ऑन अ डायलिसिस फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड. एवरी डे गोइंग टू हॉस्पिटल. आप मुंबई में भी नहीं हैं, आप दिल्ली में हैं जहाँ आप 6-7 साल से अब नहीं रह रहे हैं. थिंग्स आर डिफरेंट. जिन चीज़ों के बारे में अब पता नहीं है तो आप रोज अब थैंक्स टू गूगल एंड एवरीथिंग सर्चिंग एवरीथिंग. डॉक्टर्स पे डिपेंडेंट हैं आप. सो आई गेस दैट वाज अ वेरी इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम. आई एम श्योर. एंड इनिशियली इट वाज रियली वेरी डिफिकल्ट. देन मैंने उसको ना टास्क जैसे बना लिया कि फॉर दिस टाइम पीरियड दिस इज माई प्रोजेक्ट. जैसे अगर मैं कोई शो या कोई और कुछ भी काम कर रहा होता हूँ तो मैं उस पर रहता हूँ कि दिस इज माई वर्क, आई हैव टू डू दिस, दिस इज माई टास्क. करेक्ट. उस कैरेक्टर के लिए. तो मैंने सोच लिया ये भी मेरा एक काम है. ये आपने सोच लिया? ये मैंने अच्छा थोड़े टाइम बाद मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि दिस इज माई टास्क. दैट्स द वर्ड, एक्सेप्ट. इनिशियली हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते. हाँ, हम एक्सेप्ट नहीं करते. और उस टाइम तो बहुत थॉट्स थे कि ये क्या हो गया, कल कैसा होगा, सब ठीक होगा, why me. हाँ, ये भी बहुत सबसे पहला सवाल ही आता कि यार मेरे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था. एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट. यू आर डूइंग रियली वेरी वेल इन ऑल योर लाइफ, योर प्रोफेशन, पर्सनली. एंड फिर एकदम ऐसा कुछ हो जाता है तो आप बोलते हैं ये चीजों ने एकदम पलटी मार ली. एकदम पलटी मार ली. मतलब मैं बता रहा हूँ ना, मैं वहाँ पे चिल कर रहा था हॉलीडे पे, ऐसे लेटा हुआ था स्विमिंग पूल में, मुझे अच्छे से याद है. आई गॉट अ कॉल. ओह माय गॉड, यू गॉट अ कॉल लाइक दैट. तो उसके बाद आप यहाँ पे हैं, ऐसे जिंदगी पलट गई एक सेकंड में एकदम. मतलब तब आपको बिलीव, मुझे रियलाइज हो गया कि लाइफ का कभी आप कुछ सोच नहीं सकते. यू नो व्हेन यू जस्ट सेड लाइफ इज शॉर्ट, या दैट्स व्हाट आई फेल्ट. या तो इट मस्ट हैव कम फ्रॉम हियर एज वेल. तो या मे बी ऑफ कोर्स यस इट इज इट इज. फिर मैंने सोचा कि यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. ट्रू. सो व्हेन यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, एक्सेप्ट इट एंड वर्क फॉर इट. ट्रू दैट. कि आप क्या कर सकते हो जहां तक आपका है.
और उसको जितना मिला फिर उसको और अच्छा बना उसको और अच्छा बना और सिचुएशंस को भी सिचुएशंस को तो वो कई बार तो सिचुएशन ऐसा लग रही थी हर दिन खराब हुए जा रही है सही बात है इट्स फॉर वन ईयर इट्स नॉट फॉर के एक महीने में चलो सब कुछ ठीक हो गया तुम काम पे चले गए नॉट शिफ्टेड बट आई वाज स्टेइंग इन दिल्ली ओनली बहुत सारे काम का भी वो हुआ बिकॉज एक्टिंग एज अ प्रोफेशन आप खुद ही आपको करना पड़ेगा खुद ही मेहनत करनी है खुद ही ऑब्वियसली एक ये होता है कि अगर आपने नाम एक बना लिया है तो लोग आपको बुला रहे हैं सही बात है आपको कहीं ऐसा नहीं है कि आपको यू गोइंग फॉर ऑडिशंस बट एक स्ट्रगल तो सब में ही है चाहे वो कोई भी कोई बड़े से बड़ा स्टार भी हो उसको वहां पे प्रेजेंट तो होना ही पड़ेगा खाली नाम पे घर पे कुछ नहीं आने कुछ नहीं होगा राइट सो यू हैव टू बी प्रेजेंट ओवर देयर बट आई एम ग्लैड दैट यू कुड यू नो मूव फॉरवर्ड विद सच एन अमेजिंग जेस्ट Yes. और जो भी हुआ आपने बहुत अच्छे से संभाला right. आपने अच्छे से हैंडल किया राइट हैट्स ऑफ टू यू फॉर दिस थैंक यू हिमांशु थैंक यू सो नाइस यू कैन क्लैप यस मिरेकल कभी भी हो सकते हैं कभी भी हो सकते हैं म्यूजिक लाइफ लाइफ रिलेशनशिप्स वेरी इंपॉर्टेंट सोल डिटॉक्सिफिकेशन इट्स फॉर ग्रोथ वेरी नाइस फेथ God. God. Humanity. Basics. Basics. Passionate. Passionate. Work. Work. Self-love. Self-love. Pampering. Pampering. Spirituality. Spirituality. Show off. Show off. Spirituality show off. Heart. Heart. Take care of it. Take care of it. Life. Live it. Live it. God. Be faithful. Be faithful. Friendship. I guess it's a partnership. It's a partnership. Mutually. Forgiveness. Very important to move on. ये बड़ी अंदर से आई बात. हाँ, because if you forgive your friends, your जो भी हो चाहे it can be your girlfriend or your boyfriend or your friends. अगर आप जब तक फॉरगिव नहीं करते आप आगे बढ़ ही नहीं सकते सही बात नहीं तो आप 10 साल भी हो जाएंगे तब भी आपके मन में रहेगा हाँ उससे मेरी लड़ाई थी क्या बात है फैमिली फैमिली एवरीथिंग वेरी नाइस क्लैप फॉर हिम फैंटास्टिक रियली रियली नाइस वेरी वेरी गुड सो दिस इज स्टाइल हैम्पर बाय मुफ्ती दिस इज थैंक यू सो मच आई मीन यू हैव बीन सच अ स्पॉट फॉर प्लेइंग सो ब्यूटीफुल यस मैंने ये पूछना था हिमांशु आप Obviously, we all know Himanshu. And जब भी हिमांशु से बात होती है तो ऐसा लगता है हिमांशु is sorted. उनको सब पता है एक हर एक चीज़ में बहुत केयर है चाहे वो टच में हो करेक्ट चाहे वो बात करने में हो ही इज सेंसिटिव एंड सेंसिटाइज सो ये क्या ये शुरू से है या ये यू कुछ सीखा या कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो गया कि ये एक्चुअली सवाल किसी ने पूछा नहीं इतने टाइम से कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया इस बात को विच यू हैव रियली पिक्ड आउट वेरी वेल ये शायद बचपन से ही है बचपन से आई थिंक आई वाज वेरी वेरी सेंसिटिव आई एम स्टिल वेरी सेंसिटिव एज अ चाइल्ड एंड आई एम या एक्सट्रीमली केयरिंग फॉर द पीपल हुम आई लव एंड आई एम फॉन्ड ऑफ एंड आई केयर आई एम इट कम्स वेरी वेरी नेचुरली टू फॉर श्योर द रीजन फॉर दिस इज ऑल्सो आई फील ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे समझ में आया कि जिंदगी में कुछ भी करना है पहली बात तो आप अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकते राइट आपको लोगों के साथ ही जिंदगी गुजारनी है चाहे वो आपके कजन्स हैं रिलेटिव्स हैं दोस्त हैं गर्लफ्रेंड है बिलवर्ड है वाइफ है पेरेंट्स हैं कोई राइट 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 तो जब आपको सबके साथ ही गुजारनी है जी तो साथ में मिल के गुजारते हैं ना एक दूसरे की केयर करके एक दूसरे से बात करके एक दूसरे को समझ के तब तो मजा है तब मजा है मतलब वो आई एम लेजेंड वाली फिल्म थी ना वो विल स्मिथ की right, right. तो वो वाली बात हो जाएगी अगर आपको अकेले ही सब चीजें मिल भी जाएंगी ना right. फिर भी आपको खुशी हासिल नहीं होगी खुशी हासिल एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक आई एम वेरी कंटेंट विद माय लाइफ ओके व्हाटएवर इज गोना हैपन अपने गोल्स हैं ड्रीम्स हैं right. वो तो कब अचीव होंगे कब नहीं होंगे वो तो वक्त बताएगा नहीं वो तो चलते ही रहते हैं एंड वो चेंज भी होते रहते हैं एब्सोल्युटली एंड इट्स अ प्रोसेस राइट आई थिंक यू नीड टू एंजॉय द प्रोसेस सो वो सेंसिटिविटी एंड ऑल्सो एक्टर बनने के बाद राइट और ज्यादा हो गई वो सेंसिटिविटी right, right. फिर शेयरिंग ग्रो के बाद और भी ज्यादा हो गई 100% तो धीरे धीरे ना वो इतनी ज्यादा कभी कभी मुझे मतलब लाइन खींचनी पड़ती है यू आर एब्जॉर्बिंग इट आई एम एब्जॉर्बिंग इट बट समटाइम्स आई हैव टू पुट अ लाइन कि नहीं यार लिसन आई कांट बी एब्सोल्युटली सो सेंसिटिव कि एवरी स्मॉलेस्ट थिंग स्टार्ट्स अफेक्टिंग मी इट डज राइट मुझे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है समटाइम्स माय वाइफ एक्चुअली शी कवर्स मी फॉर दिस राइट सो यू हैव टू मेक अ वॉल स्लाइटली स्लाइटली नॉट मच
Like, mujhe, it's very stupid to say this on camera, but when I see beggars on the road, I feel very, very sad. Right. मुझे समझ में नहीं आता, मुझे economic disparity समझ में नहीं आती. Right. कि मतलब हमारे पास 10 पेयर जूते के हैं और किसी के पास पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है. Right, right. मतलब right. It affects me so much. Right. मतलब बट वो ये है कि whatever I can do in my bit, I can do it. Whatever in your capacity, फिर, you can do मतलब it. बाकी फिर ऊपर वाले पे छोड़ देता हूँ मैं, थोड़ा सा आंख बंद करनी पड़ती है और फिर आगे बढ़ना पड़ता है जिंदगी. सही बात मतलब है, अपने दायरे में जो जो है वो कर लेता जो करना. That's a really very beautiful thought. I guess हम किसी को भी, हम obviously we live in India, हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं. एक चीज़ मुझे ऐसी एक चीज़ लगती है कि इसमें और मुझमें एक ही फर्क है, सिर्फ पैसे का इकोनॉमिक डिस्पैरिटी. उसके अलावा ह्यूमन, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान. एब्सोल्युटली राइट. सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग एंड आई गेस थोड़ा I always felt that you were a deep person, but it just came out so beautifully. Thanks. Arre, thank you. I'm truly touched and honored. Arre, thank you so much. Thank you so, so, so much. Thank you. Thank you, everyone. Please give a big, big round of applause for him. Thank you. Yes, we have something for you that we would also want to give for you. Sure. Thank you so much. Really appreciate it. Thank you so much. We have written something inside. Arre, aap aram se padhna chahe, pad sakte. Aram se. Koi jaldibazi nahi. Thank you. Hey, this is Shivin Narang with Himanshu Malhotra. And you can like us, subscribe us, share and grow initiative. And thank you so much. And the more we share, the more we grow. Thank you so much. Thanks a ton.